एक बीमारी ऐसी है बंदा हेजिटेशन दे करके डॉक्टर साहब शेयर नहीं करता, और दूसरा अगले लग रहा है डर भी पता नहीं ऑपरेशन कितना औखा होना, मेरे कोई दिक्कत ना आ जाए कुछ ना हो जाए, उस चक्कर से लोग इन्फॉर्म नहीं करते। तो बेसिकली जो मैं ना डॉक्टर साहब एक लंदन कॉन्फ्रेंस गया, वो कॉन्फ्रेंस जिहड़ी लेडी कंडक्ट कर रही है ना वो वर्ल्ड की सब तो वड्डी कॉन्फ्रेंस है। वो लेडी ने अपने लैक्चर च किया, कहिंदी मेरी मदर नूं रेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम सी, पर मेरी मदर ने सानू कदे नहीं दस्या, वो अपने अंदर ही घुटदी रही। जागरूक करूंगी कि जे किसी कोई बीमारी है खुल के दसे ताकि इलाज हो सके। तो डॉक्टर साहब बेसिकली की होंगे जिन्हों भी टॉयलेट च फोन आता ना उसके मन च इको गल बहती है कि बवा सी रहे, और वह अपने आप ही दवाइयां आमतौर पर शुरू कर देता है, कोई अखबार च पढ़िया या किसी केमिस्ट तो लेती या आप ही लेनी शुरू करती। अच्छा फिर पेशेंट जब जाके केमिस्ट नूं बार बार कहना तुसी दे दो जी तुसी दे दो कोई नहीं मैं 10 दिन देख लेना, अच्छा अगला भी फैड अप हो गया उन्हें पकड़ा देता कि पकड़ो जी ये डॉक्टर का पत्ता या कैटलॉग का तो इन्हू खाओ 10 दिन, पर अंदर अंदर वह प्रॉब्लम बदनी शुरू हो जाती है जदों असीं उन्हें डायग्नोज करते स्टेज ही लंघ जाती। अच्छा दूजी गल डॉक्टर साहब शायद अपने जो भी बहुत लोगों ना पता होए, पंजाब सरकार हर कैंसर के पेशेंट को 1.5 लाख रुपए दिंदी है, पर लैक ऑफ अवेयरनेस करके एक आम बंदे को बेनीफिट कहीं मिलता ही नहीं, पता ही नहीं लगता कि यहोजी कोई स्कीम है, तो उन्होंने जब पता ही लगता बेनीफिट कितों लगेगा। क्या किसी को पता है कि पंजाब च कोई यह कैंसर का अस्पताल है जिसे 100% फ्री इलाज होंगे? क्या अपने जो किसी को पता है कोई दस है? तो डॉक्टर साहब मैं थोड़े ना शेयर करना कैंसर का सब तो बड़ा हॉस्पिटल इंडिया है टाटा मेमोरियल बॉम्बे, उस तो बेहतर कोई सैटअप नहीं, उस तो बेहतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने संगरूर के एक हॉस्पिटल खोलिया डॉक्टर साहब टाटा का ही कैंसर हॉस्पिटल, जिसे 1 रुपया नहीं लगता, तुम उन्हों का आधार कार्ड ले जाओ तो सारा ट्रीटमेंट उत्थे होंदा है। पर अच्छा मैं भी खुद आराम रह गया जो पहले ना एक मैं ही नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने एक पेशेंट ने आके दसिया, वो कह रहे जी सानू हर जगह दसते जी थोड़ा 3.5 लाख लगना है 4 लाख लगना है, मैं उत्थे चला गया उत्थे तो डॉक्टर साहब एक पैसा भी नहीं लग्या और कमाल का ट्रीटमेंट है कमाल की सफाई है। हुण आपां किसे नूं मान लो हो जांदा है अगला गरीब आदमी उह बेचारा मारा मारा फिर रहा है उहनूं पता ही कुछ नहीं लग रहा, आपां उहनूं दस दईए वी भाई पंजाब सरकार दी स्कीम है, कोई पिंड दा सरपंच उहदे नाल भेज दे कोई मोहतबर बंदा जा के उहनूं बेनीफिट दवा ले डॉक्टर साहब, आपणा कुछ लग्गिया वी नहीं उहदा कम्म हो गया। दूजी गल कि मान लो किसे नूं ब्लीडिंग है उहनूं कम से कम यार इन्ना अवेयर तां होणा चाहीदा वी इक वारी मैं चेकअप करावां। एंजी रामपुरा फूल तों मेरे को पेशेंट आया सी, मैं वो देखा मैंने देखते ही मैं चेक किया कैंसर से बहुत ज्यादा फैलिया हुआ है, मैं बाबा जी तुम चेक नहीं कराया? कह नहीं मैं बस किसी को दसदा जी मैं पिंड जाके कह बस मेरे दर्द हो रहा है टीका ला दें डॉक्टर साहब। टॉयलेट वाली जगह के नाल एक होर होल हो गया जिसे चो कोई स्टूल आता से, मतलब तुम लाइफ देखो ना कि पैथेटिक हो सकती है। तो जस्ट मेरा एक पॉइंट सगा कि अगर आप सारे अवेयरनेस क्रिएट करिए ऐसी स्टेज शुरू च ही आदमी को पता लग सकता है, और हुण वो गल नहीं है, पहला तो होंदा सी कि कैंसर हो गया मतलब हुण मरना तय है, हुण इहो जिहा कुछ नहीं, कैंसर का ट्रीटमेंट हैगा और लोग जिन्नी उन्होंने जिंदगी पूरी भोग के जाते हैं और कोई कॉम्प्लीकेशन भी नहीं होती।